नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभिन 24 न्यूज़। दोस्तों, एक व्यक्ति की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति जिसके नाम है जगतार सिंह, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी जो बहू हैं आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में बैठी हुई हैं। और बताया जाता है कि इन दिनों में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सांप जो है वो लगातार जो है घरों में घुस रहे हैं, खेतों में है लगातार जो है वो बाहर आ रहे हैं, और ऐसे में बताया जाता है कि वो खेतों में काम कर रहे थे जगतार सिंह, जिसके बाद सांप जो है वो आता है और उन्हें डस जाता है, जिसके बाद लगातार दो अस्पतालों में जो है उनका इलाज जो है यहाँ पर किया जाता है और फिर उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। हालांकि उनकी जो बात करते हैं जी, क्या नाम है आपका और जगतार सिंह जी क्या लगते हैं आपके? सीमा रानी नाम है मेरा सर, और ये जो जगतार सिंह है इनकी, ये मेरे ससुर थे। अच्छा, तो हाँ जी, कहाँ के रहने वाले सर? ये गांव थैमलवोड़ा पड़ता है, गुमथड़ा गड़ू के पास में। ठीक है। हाँ जी, गुमथड़ा चौंकी लगती है और हरनाचे के पास पड़ता तो है। क्या मतलब कैसे कब काटा हूं ये? सुबह 4 बजे के आसपास ये मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे हैं जी, खेत में जैसे थोड़ा काम करने के लिए निकला तो स्नैक ने बाइट कर लिया, तो वहाँ पे उसका पोता पास में था, मैं तो अपने मायके में आई हुई थी, तो वहाँ इसका पोता था, उसके पोते अपने पोते को उसने बताया भी मेरे को ऐसे ऐसे करके सांप ने काट लिया, तो इसने सांप भी देखा, उसकी फोटो भी खींची, आपको मैं दिखाऊंगी अभी, फोन में खींच रखी इसकी फोटो। तो उस तब तक उस जो मतलब काफी टाइम हो चुका था, वो कहने लगा भी मेरे को चक्कर आ रहे हैं, वोमिटिंग हो रही है, तो इन्होंने 100 एम्बुलेंस वालों को फोन करके एम्बुलेंस बुलाई, तो अपने पते पे पहुंच के जो इन्होंने पता दिया वहाँ पे पहुंच के एम्बुलेंस वहाँ से उसको LNG पे में लेके आए हैं, तब तक मैं भी वहाँ पहुंच गई, तो वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया था यहाँ कल्पना चावला में, तो यहाँ पे लेके आए हैं, तो यहाँ तक आते आते उनकी डेथ होगी सर। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनका जो पोता है जगतार सिंह का, जो उनके साथ में था उस समय। बेटे, क्या नाम है आपका और आप साथ में थे अपने दादाजी के? जी, मेरा नाम सूरज है जी, मैं अपने दादा के साथ जा रहा था खेत में। ठीक है। तो दादाजी काम कर रहे थे, स्नैक बाइट कर गया था। स्नैक बाइट कर गया, आपके सामने कर गया था? हाँ जी। अच्छा, सुबह के 4 बजे थे? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया जब उनको काट गया? तो उसके बाद तो जी सांप को भगाने लग गए थे हम, उसके बाद घर पर जाकर दादा को चक्कर आने लग गए थे। चक्कर आने लग गए थे। हाँ जी। ठीक है। फिर उसके बाद अस्पताल लेकर गए, फिर कुरुक्षेत्र में ले आए थे अस्पताल में, फिर उधर से रेफर कर दिया कि कल्पना चावला में ले जाओ, फिर हम दादाजी को यहाँ ले आए तो डेथ हो गई थी। हो गई। और आप दोस्तों सभी को हम ये कहना चाहेंगे, इन दिनों में सांप जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, और सभी से हम ये निवेदन करेंगे कि आप कहीं पर भी जो है पांव रखते हैं तो आप थोड़ा, जो किसान है जो खास तौर पर, वो किसान जो है ज़रूर इस बात का ध्यान दें, क्योंकि खेतों में लगातार जो है, खेतों में आमतौर पर सांप होते ही हैं, और इन दिनों में तो सांप जो है वो लगातार घरों में भी घुस रहे हैं। उनका पोता उनके साथ था, उनकी जो बहू है आप देख पा रहे हैं, और ये ज़रूर है सभी से कि अगर आप कहीं पर भी, अगर खेतों में भी जाते हैं, तो कोशिश यही करें कि अगर आप अपने पाँव को पूरा कवर कर सकें या कोई लंबे तरह के कोई जूते डाल सकें ताकि उससे बचाव रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सांप है वो पाँव के इलाके जो है एरिया पे ही काटता है। हालांकि अस्पताल में लाने के बाद भी जो है उन्हें बचाया ना जा सका, 2 अस्पताल बदले, लेकिन उसके बाद जो है उनकी मौत हो जाती है। हालांकि तस्वीर हमने आपको ज़रूर दिखा दी है, और जो स्नेक की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, जिस स्नेक ने काटा था उन्हें, और सभी लोगों को यही बताने के लिए कि जो सांप है वो, उससे बचाव के लिए यही तरीका है कि एहतियात ज़रूर बरतें। ये देख लीजिए, ये स्नेक की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्नेक की तस्वीर है जिस स्नेक ने काटा था उन्हें। तो आप सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारी बात हुई है और सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे, हम आपको लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि सांप लोग घरों में कितने ज़्यादा निकल रहे हैं, आपने वीडियो में देखा होगा हम आपको, और हर सीज़न में ऐसा ही होता है। और किसान भाइयों से सभी से निवेदन करेंगे, आप खेतों में जाते हैं तो आप लंबे वाले जूते ज़रूर पहनें, क्योंकि उनसे ज़रूर आपका बचाव हो सकता है, क्योंकि सांप जो है वो घुटनों से निचले जो हिस्से में ही काटता है। हालाँकि जो बुज़ुर्ग हैं, घर पहुँचे, चक्कर आने लगे, अस्पताल में दाखिल किया, बच नहीं पाए, तो सभी से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और फिलहाल परिवार के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, पोता उस समय वहीं मौजूद था जब उसके दादा को सांप ने काटा। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को शेयर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।